हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ स्वास्थी मिश्रा। आयोनिक से रिलेटेड इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि अगर आपको आयोनिक अपने आयोनिक एप्लीकेशन के अंदर यानी कि जिसको आपने आयोनिक एंगुलर में बनाया है उसमें अगर आपको स्क्रॉल टू टॉप बॉटम या फिर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट तक स्क्रॉल की फंक्शनलिटी अगर आपको करनी है तो उसको आप आयोनिक में कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में फ्रेंड हम देखने वाले हैं उसके लिए फ्रेंड्स मैं ये आर्टिकल फॉलो करने वाली हूँ। आर्किया नॉलेज का आर्टिकल है ये फ्रेंड्स। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो के, आप वहां से ओपन करके इस आर्टिकल को फॉलो कर सकते हैं और इसके बारे में इस आउटर स्क्रॉल टू टॉप बॉटम और स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन आयनिक एंगुलर 5 में आप उसकी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के थ्रू ले सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर आपको कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि अगर हम स्क्रॉल करके बहुत दूर तक नीचे आ गए हैं और हमको अब ऊपर तक स्क्रॉल नहीं करना है, बस एक क्लिक पे हमें वहाँ तक पहुँचना है उस एक स्पेसिफिक एलिमेंट तक जहाँ तक हम चाहते हैं कि हमें स्क्रॉल करके पहुँचना है, तो वो फंक्शनलिटी फ्रेंड अगर हमें आयोनिक में करनी है आयोनिक एंगुलर में तो उसको हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड सबसे पहला यहाँ पे जो काम है वो आप देख सकते हैं कि पहले हमें स्क्रॉल इवेंट को एनेबल करना होता है आयोन कंटेंट कॉम्पोनेंट में। आपको बताए होगा फ्रेंड्स आयोन कंटेंट एक रैपर होता है जिसमें सारे कॉम्पोनेंट जो भी आयोन के कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसको हम आयोन कंटेंट कॉम्पोनेंट के अंदर रैप करके उसको यूज करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड आयोन कंटेंट इज द मेन कॉम्पोनेंट, वो मेन कॉम्पोनेंट होता है आयोनिक फ्रेमवर्क का जिसके अंदर सारे एलिमेंट जो हम यूज करते हैं अपने एप्लीकेशन में वो प्लेस किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को कि अगर आपको स्क्रॉल इवेंट एनेबल करना है आयोनिक पेज में अपने तो आप कैसे करेंगे फ्रेंड्स। आपको उसके लिए एक स्क्रॉल इवेंट की प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है, लेकिन अगर आपको स्क्रॉलिंग करवाना है पेज में अपने तो इस प्रॉपर्टी को आपको ट्रू सेट करना होगा। जैसा कि आप देखते हैं इस स्निपेट में हमने इसको शो किया है कि आपको कैसे करना है फ्रेंड्स। इसका प्रैक्टिकल भी करके फ्रेंड्स आप सब आपके सामने प्रैक्टिकल करके उसको करेंगे। पहले हम इस आर्टिकल को फॉलो कर लेते हैं, बता देती हूँ आपको कि एक्चुअली में वो प्रोसेस होती कैसे है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको पता चला कि क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें स्क्रॉल इवेंट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है उसको हमें ट्रू करना होता है, वो भी कहाँ पे आयोन कंटेंट के अंदर जा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स 3 मेथड होती है स्क्रॉलिंग की, वो आप देख सकते हैं कि जो आयोन कंटेंट की मेथड होती है आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी मेथड नहीं फ्रेंड्स, स्क्रॉल इवेंट्स होते हैं जो आयोन कंटेंट में अवेलेबल है। वो कौन से इवेंट है आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहला इवेंट है आयोन स्क्रॉल स्टार्ट, मींस कि जब आपकी स्क्रॉलिंग स्टार्ट होने वाली होगी, स्टार्ट नहीं हुई होगी, स्टार्ट होने वाली होगी फ्रेंड, उस समय ये इवेंट ट्रिगर होता है आयोन स्क्रॉल स्टार्ट। उसी तरह फ्रेंड जब इवेंट आपका जो स्क्रॉलिंग है वो एंड होने वाली होगी तब आपका ये इवेंट ट्रिगर किया जाएगा, और जब आपकी स्क्रॉलिंग हो रही होगी फ्रेंड इन प्रोसेस में होगी उस टाइम आयोन स्क्रॉल नाम का इवेंट आपका ट्रिगर होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमें फिर आयोन कंटेंट के अंदर वो जो स्क्रॉल इवेंट होते हैं उसको ऐड करना पड़ता है, जो कि हम आपको सामने करके देखेंगे फ्रेंड जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद मेथड होती है यानी कि हमें फंक्शन बनाना है आयोन स्क्रॉलिंग स्टार्ट का, एंड का और स्क्रॉलिंग का, वो भी कहाँ पे फ्रेंड्स कंपोनेंट क्लास के अंदर जिस भी पेज में आपको करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दो होता है, टेम्पलेट फाइल होती है हमारे आयोनिक में, दूसरा होता है कंपोनेंट क्लास यानी कि TS फाइल, वहां पे जाके हमें ये जो इवेंट है मेथड है उनको डिफाइन करना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेथड अवेलेबल होती है आयोन कंटेंट में स्क्रॉलिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं पहली मेथड जो होती है वो है स्क्रॉल टू टॉप, यानी कि अगर आपको आप बॉटम में है आपको वहां से स्क्रॉल करके टॉप में जाना है तो उसके लिए फ्रेंड्स स्क्रॉल टू टॉप एक मेथड होती है उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको बॉटम स्क्रॉल करके जाना है तो स्क्रॉल टू बॉटम मेथड होता है। अगर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट एक स्पेसिफिक लोकेशन स्क्रॉलिंग करवाना है देन फ्रेंड्स उसके लिए स्क्रॉल टू पॉइंट फंक्शन होता है।
उसी तरह फ्रेंड्स आप ये स्क्रॉल टू पॉइंट और स्क्रॉल बाई पॉइंट में क्या डिफरेंस फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल टू पॉइंट यानी कि आपका एक स्पेसिफिक लोकेशन तक आप स्क्रॉल करवा सकते हैं, वहां पे आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देना होगा। उसी तरह स्क्रॉल बाई पॉइंट में फ्रेंड्स एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक आप उसको स्क्रॉल करवा सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट को देख। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको कैसे इसको करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें व्यू चाइल्ड एक होता है डेकोरेटर, जिसके थ्रू क्या करेंगे आयन कंटेंट में कोई भी अगर हमें मेथड स्क्रॉलिंग का मेथड अगर हमें बाइंड करना है आयन कंटेंट के साथ, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें व्यू चाइल्ड डेकोरेटर का यूज करना होता है आयोनिक के अंदर। व्यू चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप आयोनिक के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी ले सकते हैं, वहां पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि व्यू चाइल्ड एक्चुअली में क्या होता है। बट फ्रेंड्स मैंने बता दिया आपको कि व्यू चाइल्ड हम कब यूज करते हैं, हमें यहाँ पे स्क्रॉलिंग जो मेथड होती है आयन कंटेंट के साथ हमें उसको बाइंड करना है, इसलिए हम यहाँ पे व्यू चाइल्ड डेकोरेटर का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स व्यू चाइल्ड डेकोरेटर इंपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे फंक्शन बनाना, आप देख सकते हैं फंक्शन बनाया है मैंने स्क्रॉल टू बॉटम, स्क्रॉल टू टॉप और स्क्रॉल टू पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बॉटम पे सेकंड है कि आपको कितने सेकंड तक फास्ट आपको करवाना है, वो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। अगर फ्रेंड्स हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप पूरा आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिस्कस किया हुआ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहले हमने व्यू चाइल्ड डेकोरेटर यूज किया। व्यू चाइल्ड डेकोरेटर क्यों यूज किया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइंड द स्क्रॉल मेथड विद द आयन कंटेंट कंपोनेंट, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। उसके बाद हमने फंक्शन बनाया स्क्रॉल टू टॉप बॉटम और पॉइंट वाला। उसके बाद हम फ्रेंड्स इसको हमें फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पे आयन कंटेंट में। सबसे पहले हमने स्क्रॉल इवेंट को ट्रू किया, उसके बाद हम यहाँ पे दो बटन बनाया है, एक स्क्रॉल टू बॉटम स्क्रॉल टू पॉइंट का यहाँ पॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद हमने फ्रेंड्स ये तो पैराग्राफ है फ्रेंड्स, डमी पैराग्राफ जो यूज किया है मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स स्क्रॉल टू पॉइंट और स्क्रॉल टू टॉप का एक बटन बनाया है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ कि स्क्रॉल टू टॉप, अगर आपको स्पेसिफिक एलिमेंट तक फ्रेंड्स स्क्रॉल करना है उसके लिए भी फ्रेंड्स आप क्या करना है, एक मेथड बनाया है मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रॉल टू लेबल। से पहले हमें उस लेबल की आईडी ले लेनी है जिस लेबल तक हमको स्क्रॉल करके लेके जाना है। फिर फ्रेंड्स हमें दिस डॉट कंटेंट स्क्रॉल टू पॉइंट फंक्शन कॉल करना है, यानी कि स्पेसिफिक पॉइंट तक। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स एक्स यानी कि हमें एक्स आई में स्क्रॉल नहीं करना है, हमें वाई एक्सेस में स्क्रॉल करना है, इसलिए एक्स एक्सेस 0 दे दिया और वाई में हमने यहाँ पे ऑफसेट का यूज किया फ्रेंड्स, ऑफसेट टॉप -60 और 500, यानी कि जो ये लेबल है उसके ऑफसेट टॉप क्या करता है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ पे ऑफसेट यूज किया है ताकि वो जो भी लेबल है वहां तक हम पर्टिकुलरली स्क्रॉल करके जा सके, इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऑफसेट टॉप दिया। और कितना ऑफसेट टॉप से कितना ऑफसेट करना है उसे 60 तक, वो -60 तक जाएगा। और यहाँ फ्रेंड स्पीड दिया हुआ है कि कितनी स्पीड से उसको वो स्क्रॉलिंग परफॉर्म होगी। और यहाँ फ्रेंड्स आप देखते हैं यहाँ पे स्क्रॉल टू बॉटम का एक फंक्शन बनाया है, ये तो पैराग्राफ है डबल फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखा, आइए फ्रेंड्स अब हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ताकि हम आपको लाइव दिखा सकूं फ्रेंड्स कि आप कैसे ये प्रोसेस पूरी होती है। ओके फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, आप जैसा कि इस आर्टिकल में देख सकते हैं मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमें स्क्रॉल इवेंट होता है उसको एनेबल करना होता है, यानी कि उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है आयोन स्क्रॉल इवेंट इक्वल टू ट्रू, ये हम करेंगे तो वो स्क्रॉल का इवेंट ट्रू हो जाएगा और हम स्क्रॉलिंग कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स मैं कोड यहीं से कॉपी करने वाली हूँ, बस आप देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हमें फंक्शन बनाना है, नो फ्रेंड्स उसके सबसे पहले हमें व्यू चाइल्ड डेकोरेटर को इंपोर्ट करना है अपने एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड कंपोनेंट तो होगा ही पहले से इसके TS फाइल में फ्रेंड्स, तो हम इसकी TS फाइल ओपन करेंगे। कंपोनेंट तो पहले से है ही, खाली हमें एक व्यू चाइल्ड और इंपोर्ट करना है ताकि हम आयन कंटेंट के एलिमेंट को मेथड उसके अंदर मेथड को स्क्रॉल मेथड को बाइंड कर सके। उसके बाद फ्रेंड्स हम ऐसे हम बाइंड करते हैं, बाइंड करने का प्रोसेस फ्रेंड्स ये आयन कंटेंट को हमें बाइंड करना है। और यहाँ पे हम कंटेंट आईडी दिए हैं कि जहाँ पे भी हम देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कंटेंट नाम दिया है आयन कंटेंट को, यानी अब हम जो भी एलिमेंट होगा मेथड होगा इस कंटेंट के साथ हम बाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्क्रॉल टू बॉटम मेथड है वो इस कंटेंट के अंदर बाइंड हो गया है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम ये वाला कोड कॉपी करके फ्रेंड्स यहाँ पे रखेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हमें आयन कंटेंट को भी इंपोर्ट करना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर रखा है आयन कंटेंट। ओके फ्रेंड्स ये तो हुआ, अब हम फ्रेंड्स फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले स्क्रॉल टू टॉप, ये रहा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रॉल टू टॉप, सॉरी स्क्रॉल टू टॉप दे देते हैं फ्रेंड्स, तो स्क्रॉल टू टॉप फंक्शन बनाएंगे। फिर फ्रेंड्स हम इसके HTML फाइल में एक बटन बनाएंगे, इसका कोड भी मैं यहाँ से ले जाने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स बटन है स्क्रॉल टू टॉप का, यहाँ पे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसके क्लिक पे यानी कि जब ये फंक्शन क्लिक होगा ये बटन क्लिक होगा तो इसके क्लिक पे हमने स्क्रॉल टू टॉप वाला जो फंक्शन यहाँ बना रखा है उसको हमने कॉल करवाया फ्रेंड्स। इसको अब हम रन करके देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम एक एक फंक्शन रन करेंगे ताकि आपको
ज्यादा क्लियर हो फ्रेंड्स कैसे हो रहा है। समझ में आया फ्रेंड्स आपको कि मैंने पहले क्या किया, व्यू चाइल्ड डेकोरेटर इंपोर्ट किया, आयोन कंटेंट इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ पे व्यू चाइल्ड डेकोरेटर को बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप का एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हमने यहाँ पे इसके आयोन कंटेंट में जाके आयोन बटन बनाया, उसके क्लिक पे हमने कॉल करवाया है स्क्रॉल टू टॉप। जब आप क्लिक करेंगे इस फंक्शन पे तो ये फंक्शन कॉल होगा और स्क्रॉल टू टॉप। ओके फ्रेंड्स आइए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करें, यहाँ जाके फ्रेंड्स हम सीएमडी ओपन करेंगे आयोनिक। ओके फ्रेंड्स एक चीज हमें लेना पड़ेगा कि हमें पैराग्राफ पे तो कुछ देना पड़ेगा स्क्रॉल टू टॉप के लिए, तब तो पता चलेगा कि टॉप बॉटम स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें काम करते हैं आयोन कार्ड ले लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे डमी पैराग्राफ ले लेते हैं, नेट से ले लेते हैं डमी पैराग्राफ, डमी टेक्स्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, ताकि फ्रेंड्स पता चले ना कि हाँ स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स तो ये हो गया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ये हम एक्स्ट्रा पैराग्राफ निकाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स सीधा पैराग्राफ हो गया, और फ्रेंड्स थोड़ा सा हम यहाँ पे बटन जो है इसको हम थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि पता चले कि आया कहाँ है। ओके फ्रेंड्स अब हम इसको रन करेंगे, तो फ्रेंड्स रन करने के लिए आयोनिक सर्व करते हैं, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स थोड़ा फ्रेंड्स टाइम लगेगा इसको रन होने में। ओके फ्रेंड्स तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रन हो चुका है, यहाँ पे मैंने एक डमी पैराग्राफ लिया है कार्ड के अंदर, यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल टू टॉप वाला फंक्शन कॉल होगा और डायरेक्ट आप ऊपर स्क्रॉल हो जाएंगे अपने आप। तो ये होता है स्क्रॉल टू टॉप। अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स बॉटम कर देंगे, अगर इसके टीएस फाइल में एक फंक्शन बनाएंगे स्क्रॉल टू बॉटम, जो कि मैं यहाँ से ले लेती हूँ फ्रेंड्स, स्क्रॉल टू टॉप के बाद स्क्रॉल टू बॉटम फंक्शन, इसको फ्रेंड्स हम कॉल करवाएंगे एचटीएमएल में बटन बना के, तो हम ऊपर का बटन बना लेते हैं, यहाँ पे हम बॉटम कर देंगे फंक्शन जो मैंने बनाया है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे रन करते हैं एप्लीकेशन, देखिएगा सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रॉल टू बॉटम कर देते हैं। फ्रेंड्स अभी हम स्क्रॉल उससे ऊपर हैं, ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे हम बॉटम में स्क्रॉल हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हम बॉटम में स्क्रॉल होकर आ गए, टॉप पे क्लिक करेंगे आप तो आप टॉप पे स्क्रॉल करके पहुंच जाएंगे। ये तो हुआ फ्रेंड्स टॉप बॉटम का। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे एक एक्स वाई कोऑर्डिनेशन पे आपको स्क्रॉल करवाना है तो आप स्क्रॉल टू पॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए उसके लिए हम स्क्रॉल टू पॉइंट मेथड यूज करेंगे टीएस फाइल में, और हम इसको कॉल करवा देंगे स्क्रॉल टू पॉइंट बटन बना के। ओके फ्रेंड्स हम कॉल करेंगे इसको, रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आप क्या था एक्स वाई तो तक वो स्क्रॉल करके ले गए। ओके फ्रेंड्स ये तो हुई स्क्रॉल टू टॉप बॉटम और पॉइंट। आई फ्रेंड्स अब देखते हैं कि स्पेसिफिक एलिमेंट अगर यानी हम चाहते हैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट है बस इसके ऊपर तक ही वो स्क्रॉल करे, या फिर एक इस एलिमेंट ये रिलीज लिखा है फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, मैं चाहती हूँ बस यहीं तक स्क्रॉल होके आए बस, या तो सिर्फ यहाँ तक स्क्रॉल होके आए फ्रेंड्स। अगर हम स्पेसिफिक एलिमेंट तक स्क्रॉल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जैसे मैंने बना रखा है स्क्रॉल टू लेबल करके, ऐसे कॉपी कर लेती हूँ फ्रेंड्स, स्क्रॉल टू लेबल फंक्शन बनाएंगे टीएस फाइल में। उसमें क्या किया हमने फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने एक आईडी ले ली है, आईडी में लेबल जो भी लेबल हम यहाँ पे देंगे यानी कि एचटीएमएल फाइल से पास करेंगे जो भी लेबल, उस लेबल तक वो यहाँ पे हमने कॉल करवाया है स्क्रॉल टू पॉइंट मेथड, और यहाँ पे हमने ये आईडी जो है जो लेबल है उसके ऑफसेट टॉप माइनस 60 तक हमने स्क्रॉल करवाया है। तो फ्रेंड्स जहाँ पे भी एलिमेंट है उसके टॉप से लेके माइनस 60 तक वो लेकर हमें स्क्रॉल करके लेके जाएगा, और उसकी स्पीड होगी फ्रेंड्स 500 मिलीसेकंड। तो फ्रेंड्स उसके लिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एलिमेंट बनाना है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि ये कार्ड पे इस पैराग्राफ के बाद इसी सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे एक H4 बनाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेडिंग। उसके बाद फ्रेंड्स हम एक और पैराग्राफ बना लेते हैं ताकि हमें पता चले, तो फ्रेंड्स इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी के थ्रू गेट किया है ना फ्रेंड्स लेबल को एलिमेंट को, इसलिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले यहाँ पे जिस भी एलिमेंट तक हमें स्क्रॉल करवाना है उसको हमें आईडी देनी पड़ेगी। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आईडी देती हूँ, आईडी इक्वल टू एबीसी मैंने फ्रेंड्स वहाँ दे रखा है, मैं यहाँ पे भी एबीसी दे देती हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं फ्रेंड्स ना। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगी और स्क्रॉल टू एलिमेंट का करके नाम दूंगी उसको, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कॉल करूंगी फंक्शन जो मैंने यहाँ बनाया है स्क्रॉल टू लेबल, और मैं फ्रेंड्स यहाँ पे पास कर दूंगी ये आईडी जिस भी एलिमेंट हमें पहुंचना है, यानी कि ये एलिमेंट तक मैं चाहती हूँ मैं जब स्क्रॉल करूँ तो बस मैं ये H4 तक ही मेरा स्क्रॉलिंग जाना चाहिए, यानी कि इस एलिमेंट तक मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट है ये H4, मैं चाहती हूँ इस एलिमेंट तक ही मुझे स्क्रॉलिंग करके जाना है, इस एलिमेंट तक पहुंचना है, तो मैं यहाँ पे इस एलिमेंट की आईडी यहाँ पे पास कर दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लेबल पास कर रखा है, उस लेबल में क्या है फ्रेंड्स, इस लेबल इस आईडी में हमने इस लेबल को गेट कर रखा है, यानी कि ये लेबल कौन सा हुआ फ्रेंड्स ये एलिमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी आईडी दे रखी है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये एबीसी पास कर देंगे, तो फ्रेंड्स अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस लेबल तक पहुंच जाएंगे, यानी इस H4 तक हम पहुंच जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स अब हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हम पहुंचते हैं। चलो हम हेडिंग देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ पे आई, फ्रेंड्स ये रही हेडिंग, ठीक है यहाँ तक हमें आना है। अब अगर हम स्क्रॉल टू एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स लेट्स सी सम एरर इज देयर। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे एरर क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स मैंने सेव नहीं कर रखा है सॉरी फ्रेंड्स, तो फिर से हम रन करते हैं और हम स्क्रॉल टू एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। ओके फ्रेंड्स इसका मतलब इसको आईडी नहीं मिल रही है,
तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। सिंगल कोट में आईडी पास करनी है, इसके वजह से उसको आईडी नहीं मिल रहा, यानी कि यहाँ से हमें मिल नहीं रहा है। हम यहाँ पे सिंगल कोट में दे देंगे। आइए फ्रेंड्स अब रन करके देखते हैं। अब क्लिक करेंगे हम तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ तक आ गए। फ्रेंड्स इसकी वैल्यू बढ़ा घटा भी सकते हैं, माइनस जो ये हमने कर रखा है स्क्रॉल ऑफसेट टॉप, जितना आपको जहाँ तक स्क्रॉल करवाना है आप इसकी वैल्यू ऐसे माइनस जितनी करेंगे वो उतना ही टॉप से। तो ये तो हुआ, आपने देखा कि कैसे हमने स्क्रॉल टू टॉप बॉटम स्पेसिफिक एलिमेंट और पॉइंट का यूज करके हमने स्क्रॉलिंग करवाया फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स तो ये था इस वीडियो में, हमने देखा कि कैसे आप स्क्रॉल टू टॉप बॉटम स्पेसिफिक एलिमेंट तक आप स्क्रॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग आयन कंटेंट स्क्रॉलिंग मेथड। ओके फ्रेंड्स फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सजेशन है, तो फ्रेंड्स आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन भी देना है तो भी आप फ्रेंड्स दे सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है फ्रेंड्स तो भी आप उसको मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और रही इस आर्टिकल की बात फ्रेंड्स, तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो। ओके फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह मैं आयोनिक का कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।